बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और परेशान हैं कि सर कितना मार्क्स आने पर जो है कि प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, या फिर कितना कैटेगरी रैंक होना चाहिए, या फिर ओवरऑल रैंक कितना होना चाहिए जिस पर हमें जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और इसके इस पर जो है कि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं और भर भर के कॉमेंट आ रहे हैं हमारे वीडियोज़ पर। तो मैं इस वीडियो ये चीज़ जो है ये वीडियो बनाना मुनासिब समझा हो कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि कितना मार्क्स जो है कि आपका रहेगा तो जाकर के आपको जो है कि प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, या फिर आपको कितना कैटेगरी रैंक का जो है कि होना जरूरी है जिसकी वजह से आपको जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, या फिर कितना ओवरऑल जो है रैंक कितना होना चाहिए। तो ये चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको कितना जो है कि मार्क्स आना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूँ कि 100 से कम एक एक में ये आप अंदाज से रखा हो, 100 से कम 150, 200, 250, 300 से ज़्यादा। तो ये बात आप बिल्कुल जो है कि निश्चित हो जाइए कि जो 100 से जो ये 300 से ज़्यादा जिसका नंबर है ना, यहाँ पर देख रहे हैं आप 300 से ज़्यादा जिसका नंबर है, तो उसका तो 100% है कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही उसका नाम जो है कि पूरा पूरा जो आने का चांस है, यानी फर्स्ट कॉलेज इसमें फर्स्ट जो है कि काउंसलिंग में ही उसका नाम आ जाएगा प्राइवेट ये गवर्नमेंट कॉलेज में। यानी 300 से ज़्यादा जो भी है ना उसको जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की ज़्यादा संभावना है। उसके बाद में 250 और 200 जिसका है उसका भी जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज पक्का है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका मार्क्स आया है, अब यहाँ पर रैंक की बात नहीं कर रहे हम, मार्क्स की बात कर रहे हैं, जिसका मार्क्स जो है 200 या फिर जो है 200 या 250 या 300 आया हुआ है, इन तीनों को जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज 100% पक्का है। फर्स्ट काउंसलिंग में ही उसका नाम पूरा पूरा आ जाए आने का चांस है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं तो कम से ये 300 से ज़्यादा जो है उसको तो फर्स्ट काउंसलिंग हो ही जाएगा, उसका 200 और 250 जो है इसका फर्स्ट काउंसलिंग में या तो फिर काउंसलिंग में उसका पूरा पूरा नाम आने का चांस है। उसके बाद में जिसका 150 है, जिसका 150 जो है कि नंबर आया हुआ है, तो उसको जो है कि लगभग जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज होने की संभावना है, नहीं तो अन्यथा उसका प्राइवेट कॉलेज तो फिक्स है, उसका प्राइवेट कॉलेज उसका फिक्स है जिसका 150 मार्क्स आया हुआ है, या फिर जिसको 100 से कम नंबर है, 100 से कम नंबर वाले का भाई इसका तो कम चांस है, इसका तो डाक के बराबर है। हो सकता है कि इसमें ज़्यादा ये संभावना है कि इसका तो एडमिशन होगा नहीं, क्योंकि 100 से कम कम चांस है, पता नहीं अब हो भी सकता है, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं, देख लीजिएगा आगे चल के भी कि 100 से कम जिसका नंबर रहेगा ना उसका एडमिशन नहीं होगा। ये तो रही आपके पास में जो मार्क्स है वो कितना मार्क होने पर जो है कि आपका एडमिशन होगा। आइए आप बात कर लेते हैं हम कैटेगरी रैंक की कि कितना कैटेगरी रैंक होना जरूरी है जिस पर जो है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आइए इसको भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिसका 1 से लेकर 1000 के बीच में है, तो कैटेगरी रैंक आया हुआ है, तो उसका 100% ये बारी है कि उसका फर्स्ट काउंसलिंग में ही गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल जाएगा। किसका? जो 1 से 1000 तक के कैटेगरी रैंक में आते हैं, या फिर 1001 से जो है कि 5000 के बीच में जो भी है वो जो उसको भी जो है कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ पर 1 से लेकर 1000 और 1000 से लेकर 5000 के बीच में जो भी स्टूडेंट आते हैं कैटेगरी रैंक में, वो जो है गवर्नमेंट कॉलेज उसको 100% पूरा मिल जाएगा। और उसके बाद में जो 5001 से 10000 के बीच में और जो 10000 से लेकर के 50000 के बीच में जो आते हैं उसको जो है कि आपको प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 50000 से ज़्यादा है तो भाई उसका जो है कि कम चार्ज है, यानी डाक के बराबर उसका नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप जो है कि लिख लीजिए, और ये मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ, ये झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। जिसका गवर्नमेंट कैटेगरी रैंक जिसका 1 से 1000 के बीच में है और 1000 से 5000 के बीच में है उसको भाई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और जिसका 5001 से 10000 के बीच में है और 10000 से लेकर 50000 के बीच में है उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, और जो 50000 से ज़्यादा है उसको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। आइए हम समझ लेते हैं ओवरऑल रैंक को अच्छी तरीके से की। तो इसमें देखिए जिसका जो है 1 से लेकर 1000 के बीच में है और उसका तो भाई गवर्नमेंट जो है कॉलेज का कन्फर्म है उसको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो 1000 से लेकर के 10000 के बीच में है उसको भी फर्स्ट काउंसलिंग में ही गवर्नमेंट कॉलेज इसको भी मिल जाएगा। ये कहने का मतलब है कि 1 से 1000 और 1000 से लेकर के 10000 के बीच में जो भी ओवरऑल रैंक के अंदर जो भी स्टूडेंट आते हैं तो भाई उसका गवर्नमेंट कॉलेज पक्का है। उसके बाद में जो बच्चे 10000 से लेकर 50000 के बीच में आता है उसको प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए।
कीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और जो बच्चे 50,000 से लेकर के 1,00,000 और 1,00,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं जो रैंक आते हैं ओवरऑल रैंक में, तो भाई उसको जो है कि नहीं मिलेगा, उसका 100% कन्फर्म है कि भाई उसको ना गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और ना ही प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, कब चार से हो सकता है कि कुछ बच्चों को मिल जाए, लेकिन कब चार से ना के बराबर होगा। जो बच्चे का 1 से 1,000 के बीच में ओवरऑल रैंक है और जो 1,000 से लेकर 10,000 के बीच में है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जो 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में है, जो 50,000 के से 1,00,000 के बीच में है जो 10,000 से 50,000 के बीच में है उसको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। बाकी 50,000 यहाँ से देखिए 50,000 से 1,00,000 के बीच में है और जो 1,00,000 से जो है कि ज़्यादा है ओवरऑल रैंक उसको जो है कि नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज भी और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है कि जो बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे, हमारा वीडियो जो है कि अभी अपलोड में कर रहा हूँ, उसको आप देख करके आप समझ जाइए और अपना ओवरऑल रैंक, कैटेगरी रैंक और जो है कितना मार्क्स आया हर चीज़ आप मिला लीजिए और अपना अंदाजा कर लीजिए भाई किसको क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि DLED से संबंधित ऐसे ही वीडियो जो है कि आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी और आप उससे देख के फायदा ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।